हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोइट्रेस क्राफ्टी कैसल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरा एक छोटा सा बैल्कनी का मेकओवर वीडियो। आई होप आप लोगों को ये मेकओवर वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बैल्कनी जिसका साइज़ है 4 फीट बाय 12 फीट। ये बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। इसके एक साइड में इस टाइप से ग्लास लगाया हुआ है और आज मैं इसी बैल्कनी का मेकओवर करने जा रही हूँ। इसके नीचे इस टाइप से फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है और ये जो वॉल आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2 ब्रैकेट लगा के रखा हुआ है और उसी में मैंने 2 मास्क को लगा के रखा है। इसको भी मैंने बहुत पहले बॉटल से बनाया था। सबसे पहले तो मैंने फ्लोर को थोड़ा सा साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं इसका मेकओवर करूँगी। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने मास्क को लगाया है इसको मैंने जूट रोप से टाई करके रखा हुआ है और मेरे पास इस टाइप का एक आयरन का रॉड पड़ा हुआ था। इस रॉड को मैं इस ब्रैकेट के ऊपर रख रही हूँ और इसको मैं जूट रोप से इस ब्रैकेट के साथ अच्छे से टाई कर दिया है सो दैट ये बिल्कुल हिले डुले नहीं। और अभी मैं इसमें 2 वुडन प्लैंक को मैं फ़िक्स कर रही हूँ। कॉटन रोप की मदद से मैंने इसको हैंग कर दिया है और ये विंडो सेल्फ मैंने लोकल कारपेंटर से ही बनवाया था और पीछे मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया है और उसी में मैंने एक पुराना फैब्रिक को एस कार्टन मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अभी इस विंडो सेल्फ को मैं इस ब्रैकेट के ऊपर रखूँगी। विंडो सेल्फ को मैंने एनामल पेंट से पेंट कर लिया है और मेरे पास और भी कुछ वुडन प्लैंक्स पड़े हुए हैं तो उसको भी मैंने थोड़ा सा पेंट करके इसके आगे ऐसे फिक्स कर दिया है। और एक पीस को मैंने ये दोनों ब्रैकेट के बीच में जो स्पेस है उसमें मैंने फ़िक्स किया है। ये बढ़िया से इसके अंदर फिट हो गया। और कुछ हैंगिंग प्लांटर्स भी मैंने इस रॉड के दोनों तरफ हैंग कर दिया है और जो विंडो सेल्फ है उसको मैं छोटे छोटे टेराकोटा पॉट से डेकोरेट कर रही हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। इसको मैंने पेंट नहीं किया है क्योंकि मुझे टेराकोटा कलर में ही इसको रखना था। और नीचे मैंने कुछ वुड पीस को ऐसे रखा है। ये एक्चुअली मेरे बच्चों ने एक पिकनिक के दौरान कलेक्ट किया था और उसके बाद उन्हीं लोगों ने इसको पेंट किया है तो मुझे ये इतना क्यूट लगता है। इसको मैंने अच्छे से वार्निश लगा के इसको भी यहाँ पे सजा रही हूँ। बच्चों ने इसे एक्रेलिक पेंट से ही पेंट किया था तो मैंने सिर्फ वार्निश लगा लिया है। और इस वुड पीस के ऊपर ये छोटे छोटे 2 स्टोन को भी पेंट करके इसको ग्लू गन से फिक्स कर दिया है तो इन तीनों को मैं यहाँ पर सजा रही हूँ। और अभी इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मैंने एक पुराने कैसरोल में थोड़ा पॉटिंग सॉइल मैंने रख दिया है और उसके ऊपर मेरे पास एक पीवीसी पाइप का कटा हुआ टुकड़ा था। उसके ऊपर मैंने 2 टेराकोटा पॉट को मैंने रखा है। उसके अंदर भी मैंने सैंड ही भर के रखा हुआ है जो मैं गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। और एक ऐसा क्यूट सा हैंड को भी मैं इसके ऊपर सजा के रखती हूँ। और अभी मैं इस प्लैंक्स में कुछ छोटे छोटे प्लांट्स से इसको डेकोरेट कर लूँगी। ऐसे मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल गार्डन बना लिया है जिसको थोड़ा सा जुगाड़ करके मैंने उस वॉल ब्रैकेट के सहारे ही इसको हैंग करके रखी हूँ। इसके साइड में मैंने एक हुक में कुछ टेराकोटा पॉट्स को मैक्रमी रोप के साथ टाई करके यहाँ पे हैंग करके रखी हूँ। और इसके साइड में जो वॉल है उसमें मैंने एक वॉल हैंगिंग लगाया है। इसको भी मैंने 1-1.5 साल पहले बनाया था कार्डबोर्ड पेपर से और इसमें जो कोट लिखा हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट DIYs। और कुछ पुराने पेंट ब्रश भी मेरे पास पड़े हुए थे उसको भी मैंने डेकोरेट कर लिया है और इसको भी मैं यहाँ पे सजा दूँगी। इसके ऊपर मैंने एक हैंगिंग प्लांटर लगाया है जिससे ये कॉर्नर थोड़ा सा हरा भरा लगेगा। और जो ऑपोजिट साइड है उसमें मैंने एक बड़ा सा पॉट रख दिया है जिसमें मैंने गार्डनिंग सॉइल ही भर के रखा है और उसके ऊपर मेरा जो बड़ा बड़ा प्लांट पॉट्स है उसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है। मेरे पास एक पुराने सूरेक पड़े हुए थे उसके ऊपर कुछ वुड के स्टिक्स मैंने रखे हैं और उसके ऊपर भी छोटे बड़े कुछ प्लांट पॉट को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है यहाँ पे। जब मैंने विंडो सेल्फ को बनवाया था तभी लोकल कारपेंटर से मैंने कुछ पिकेट फेंस भी बनवा लिया था और उन्हीं में से 2 मैं यहाँ पर सजा रही हूँ। और ये जो मैंने हैंड रखा था ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे मैंने ये बर्ड का सेट मैंने रख लिया है। ये भी मैंने 1-1.5 साल पहले बनाया था और ये हनी भी कुछ दिन पहले मैंने बनाया था जिसका वीडियो मेरे चैनल में है। इसको भी मैंने एक ऐस हुक में यहाँ पे हैंग कर दिया है। और अभी और भी छोटे छोटे कुछ सामान था जिससे मैं इस सेल्फ को डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ मैंने बनाया था, कुछ मेरे बच्चों ने बनाया था और अभी इसी सब को मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ।
गार्डन में गार्डन ऑर्नामेंट्स रखने से इसका लुक बहुत एनहेंस हो जाता है। गार्डन के दूसरे साइड को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक जुगाड़ वाला DIY करने जा रही हूँ। मेरे पास इस टाइप का एक की होल्डर पड़ा हुआ था, ये एक लोकल कारपेंटर ही मुझे बना के दिए थे, जिसको मैंने कभी एज ए की होल्डर यूज़ नहीं किया। तो अभी इसमें मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स को हॉट ग्लू गन से पीछे चिपका दिया है, सो दैट जब मैं इसको वॉल में हैंग करूँ तो मुझे एक एलिवेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने दो बर्ड को भी बना लिया है, ये भी मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है। और इसके पीछे मैंने मैक्रमी रोप से दो लूप बनाया है, जिसको मैं यहाँ पे हैंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इस टाइप के लूप मैंने बना लिया था, जिसको यहाँ पे मैं इस टाइप से कुछ लगा रही हूँ। कुछ 3D लेटर्स भी मैंने बनाया था, पेपर से ही बनाया था इसको भी, और हॉट ग्लू गन से मैं इसको इस की होल्डर के ऊपर फिक्स कर रही हूँ। सेकेंड DIY के लिए मैं इसको ले रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा एक डिज़ास्टर DIY प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मैंने पेपर मेसी क्ले से कुछ बनाने का कोशिश किया था, लेकिन फाइनली ये कुछ और बन गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक लैम्प शेड बनाने का कोशिश किया था, लेकिन इसका शेप कुछ अच्छा नहीं बना, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी मैं थोड़ा सा पेंट करके इसको भी बैल्कनी में ही सजाने वाली हूँ, क्योंकि इतना मेहनत से बनाया था तो बेकार क्यों जाने दे, है ना। तो थोड़ा पेंट कर देने से तो ये अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन ये क्या है वो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक पॉट को पेंट कर रही हूँ। पहले तो मैंने होममेड जैसो का एक कोट लगा लिया, उसके बाद थोड़ा सा ग्रे कलर और पिंक कलर से मैंने इसको पेंट कर लिया है। इस साइड के वॉल को मैं कुछ वॉल हैंगिंग के साथ डेकोरेट करने वाली हूँ। पहले मैंने की होल्डर को लगा लिया, और मेरे पास कुछ पुराने वॉल हैंगिंग पड़े हुए थे जो मैंने 1.5 साल पहले ही बनाया था, उसको भी मैं यहाँ पे हैंग कर दी हूँ। ये सब मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है, और ये विंडो सेल भी मैंने कार्डबोर्ड और POP से बनाया था। और यहाँ पर कुछ हैंगिंग प्लांटर्स भी मैंने लगा दिया है। नीचे फ्लोर में मैंने एक ग्रास मैट को लगाया है 2 फीट बाई 4 फीट का, ये मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था। और उसके ऊपर मैंने कुछ प्लांट से इसको डेकोरेट कर लिया है। यहाँ मैं कुछ मिनियंस प्लांटर रख रही हूँ, जिसको मैंने प्लास्टिक बॉटल को कट करके बनाया था। मेरे पास एक बैम्बू का टुकड़ा पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके ऊपर एक क्यूट हार्ट को मैंने रखा है, फिर एक लेडर को रखा है, और कुछ गार्डन ऑर्नामेंट्स, ये सब DIY ही है। इस स्नेल और कैटरपिलर का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये भी मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। ये बर्ड हैंगिंग मैंने लेटेस्ट वीडियो में शेयर किया था। और इस हट में जाने के लिए मैं यहाँ पे स्टोन से एक रोड बना रही हूँ। और दो छोटे टेराकोटा पॉट को भी मैंने यहाँ पे रखा है। और मेरे पास 3 पिकेट फेंस और पड़ा हुआ था, इसको मैंने व्हाइट एनिमल पेंट से पेंट कर लिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे रख दी हूँ। सलाम साहब। इस गार्ड को मैंने एनिमल पेंट का खाली डिब्बे से बनाया था, तो ये क्यूट सा एक मेरा गार्डन का गार्ड बन गया, तो इसको भी मैं यहाँ पे सजा रही हूँ। और मेरे पास कुछ फ्लैट स्टोन्स पड़े हुए थे, तो इससे मैंने एक बॉर्डर बना दिया इधर। करी लीफ प्लांट को मैंने इस साइड में रख दिया है, और हैन को भी मैंने यहाँ लेके आ गई। और यहाँ पे मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट बना रही हूँ, जिसके लिए मैं एक प्लाईबोर्ड का पीस यहाँ पे रख रही हूँ, जिसके नीचे बफर लगा हुआ है। और ये ट्रंक मैं अपने मम्मी के घर से लेके आई थी, उसको मैंने पेंट कर लिया एनिमल पेंट से, और उसके ऊपर एक मैंने कुशन फिट कर दिया है। और एक पिलो रख रही हूँ, और दो छोटे छोटे स्माइली कुशंस के साथ एक सिटिंग अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बना लिया है। बेल्कनी के साइड में जो फ्रॉस्टेड ग्लास था, उसमें भी मैंने कुछ हैंगिंग डेकोर्स यहाँ पे लगा दिया है। इसका भी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, और अभी जो मैंने पेंट किया था इसको भी यहाँ पे लगा रही हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने जेम्स बॉल से एक एंट बनाया था, उसको भी मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। बालकनी के बीचों बीच और थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, तो इसको भी क्यों खाली रहने दे, तो यहाँ पर भी मैंने एक वर्टिकल अरेंजमेंट कर लिया है, और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स के साथ यहाँ पर भी एक छोटा सा वर्टिकल गार्डन मैंने बना दिया है। सो इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल लुक।
तो आप लोगों को आज का ये मेकओवर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।